नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कैसे आप अपने WhatsApp चैट फोटोज़ डॉक्यूमेंट वीडियोस को बैकअप कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको बैकअप वाली में करनी है। जैसा कि हम जानते हैं WhatsApp में बैकअप बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हम अपने पिछले WhatsApp चैट्स और फोटोज़ वीडियोस को रिकवर कर सके आसानी से और हमारा कुछ भी खो ना जाए WhatsApp में। अगर हम किसी से चैट करते हैं, हमारा मोबाइल किसी कारणवश खो जाता है या ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, और दोस्तों मैं यहाँ पर एक नया मोबाइल खरीदता हूँ, खरीदने के बाद दोस्तों वही नंबर से आप WhatsApp अकाउंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि पुराना मोबाइल में जो भी चैट डॉक्यूमेंट जो भी फोटोज़ वगैरह था जो भी ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह था सारा मेरा नया मोबाइल में आ जाए, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बैकअप बनाना पड़ता है। जब भी आप बैकअप बनाएंगे, बैकअप बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नए मोबाइल में अगर आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं और उस WhatsApp में वही नंबर से आप अपना अकाउंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि सारा वापस आ जाए, जितना भी चैट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोटोज़ वगैरह जितना भी आप था सारा मेरा नया मोबाइल में आ जाए, दोस्तों यहाँ पर बड़ी आसानी से आप बैकअप कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहां पे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आप बड़ी आसानी से चैट्स व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप फोटोज और आपका ऑडियोज वगैरह सारा कुछ आप बैकअप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना है क्या कि यहां पे आप राइट साइड आप देखेंगे, आपको देखने मिलेगा थ्री डॉट। बस क्या करना, सिंपली आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने मिलेगा नीचे सेटिंग्स। बस क्या करना, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना है क्या कि यहां पर आप जैसे आप नीचे देखेंगे, यहां पर आपको देखने मिलेगा चैट्स का एक सेक्शन। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस चैट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या करना, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा चैट बैकअप। बस क्या करना, सिंपली आपको इस चैट बैकअप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको सेटिंग को अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखने मिलेगा यहां पर बैकअप अप टू गूगल ड्राइव। बस क्या करना, बैकअप अप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको चार पांच ऑप्शंस देखने मिलेगा। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे नेवर। नेवर मतलब होता है कि यहां पर आप नेवर पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका जो भी बैकअप वगैरह होगा यहां पर कभी नहीं होगा। तो यहां पर आप जैसे आप सेकंड नंबर में देखेंगे ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, यहां पर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर क्या होता है, जैसे आप यहां पर ओनली व्हेन आई टैप बैकअप पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने में दोस्तों यहां पर क्या होगा कि आप जब भी आप बैकअप लेना चाहेंगे वहां पर आपको बैकअप में क्लिक करना होगा, तब जाके आपका बैकअप होगा। अगर आप यहां पर डेली में क्लिक करते हैं, डेली में क्लिक करने में क्या होगा कि आपका बैकअप ऑटोमेटिक आपका बैकअप लेते रहेगा। अगर आप वीकली में क्लिक करेंगे तो साप्ताहिक आपका बैकअप लेगा। अगर आप मंथली पर क्लिक करेंगे मंथली पर आपको यानी आपका बैकअप लेगा। तो यहां पर अपने अनुसार इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डेली करना चाहते हैं डेली में क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आपको यहां पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना, अब जाके दोस्तों यहां पर आप जैसे नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने मिलेगा गूगल अकाउंट। बस क्या करना, सिंपली आपको इस गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको चूज करना है आपको वो अकाउंट जो अकाउंट में आप बैकअप लेना चाहते हैं, यानी आपको यहां पर अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। यहां पर आपका जीमेल अकाउंट देखने मिल जाएगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है तो यहां पर आप देखेंगे ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करके अपना नया जीमेल अकाउंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपका जीमेल अकाउंट अगर आ जाता है तो यहां पर आपने जीमेल अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा अपना गूगल अकाउंट बनाने के लिए, यानी जो भी यहाँ पर आप WhatsApp में ऐड करेंगे जो भी जीमेल अकाउंट, उसी जीमेल अकाउंट जैसे आप नया मोबाइल खरीदे या आप इसी मोबाइल में आप नया WhatsApp फिर बना रहे हैं वैसे उसी नंबर से, तो आप यही जीमेल अकाउंट वहाँ पर डाल के अपना सारा चैट वगैरह जितना भी वीडियोस वगैरह फोटोज़ वगैरह आपका पुराना होगा, जितना पुराना चैट आप बैकअप करना चाहते हैं जो भी इस जीमेल में होगा सारा ये जीमेल डालते ही आपका सारा चैट वगैरह वीडियोज़ वगैरह वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अपना एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर लोडिंग लेगा, आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। देख सकते हैं यहां पे लोडिंग लेगा, आपको यहां पर कुछ सेकंड आप यहां पर वेट करेंगे। यहां पर जब तक कंप्लीट ना हो जाए आपको यहां पर कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा अलाउ का ऑप्शन। बस क्या करेंगे, सिंपली इस अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो कि मेरा यहां पर गूगल अकाउंट यहां पर सेलेक्ट हो चुका है, जो कि गूगल ड्राइव यहां पर बन चुका है। उसके बाद देखेंगे बैकअप यहां टू गूगल ड्राइव, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका देखेंगे
ओनली व्हेन आई टैप टैप बैकअप पर क्लिक है। अगर आप डेली में क्लिक करना चाहते हैं डेली में आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओनली बैकअप में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जब भी आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करना दोस्तों यहां पर आप देखेंगे नीचे में आपको देखने मिलेगा बैकअप यूजिंग सेलर, यहां पे क्या करेंगे आपको इसको ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप वीडियोस का बैकअप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो जो भी है वो भी मतलब मेरा नया मोबाइल में आ जाए या तो आप दूसरे मोबाइल में व्हाट्सअप बनाए उस व्हाट्सअप में आ जाए, तो यहां पे आप क्या करेंगे इसको भी ऑन कर देंगे तो आपका वीडियोज़ वगैरह भी बैकअप होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या कि यहां पे आप जब भी अपना आपका मोबाइल, जैसे आप दूसरा मोबाइल में अपना व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं, इस मोबाइल से अपना व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं और दूसरे मोबाइल में व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे आपको देखने मिलेगा बैकअप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर जितना भी चैट वगैरह होगा, जितना भी मैसेज वगैरह होगा, ऑडियोज़ वगैरह होगा, फोटोज़ वगैरह होगा, सारा बैकअप ले लेगा आपका ये जीमेल अकाउंट में, जो भी जीमेल अकाउंट दिए हैं गूगल ड्राइव में, सारा बैकअप ले लेगा। देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बैकअप साइज़ है यहाँ पे 179 का यह बैकअप है। यहाँ पे आपका जितना भी साइज़ होगा, आपका जितना फोटोज़ वगैरह होगा, जितना वीडियोज़ वगैरह, सारा यहाँ पर आपको बैकअप का यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे ले रहा है बैकअप। इस बैकअप को लेने के बाद दोस्तों यहां पर आपका सक्सेसफुली जितना भी चैट वगैरह होगा, जितना वीडियोस वगैरह सारा बैकअप ले लेगा। बैकअप लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस व्हाट्सअप को आप अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं और दूसरे मोबाइल में आप फिर से इसी मोबाइल में अगर आप व्हाट्सअप को इंस्टॉल करते हैं और अपना वही नंबर डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद दोस्तों जब भी आप ये जीमेल अकाउंट यहाँ पर गूगल ड्राइव में देंगे और बैकअप में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका सारा कुछ आपका वापस आ जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। जितना भी चैट वगैरह होगा, जितना भी मैसेजेस वगैरह होगा, जितना वीडियोस वगैरह होगा, सारा कुछ आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे बैकअप ले रहा है, मैं यहाँ पर बैकअप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पर किया हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे नंबर पर, दूसरे मोबाइल पर यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से बैकअप ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जैसे जैसे बताया हूँ सेम टू सेम आपको इस तरह से फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करेंगे यहाँ पर आपका सारा चैट्स वगैरह, सारा वीडियोज वगैरह, सारा ऑडियोज वगैरह आपका बैकअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से अपने व्हाट्सअप का चैट्स बैकअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ऑडियोज बैकअप कर सकते हैं, वीडियोज बैकअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बैकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।